तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, ओके? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ। तो रेट आपको फ्यूचर में प्रोडक्ट को बाय करने के बाद कोई भी कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, ओके? तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कोई भी कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना फ्रेंड्स, 1 मिनट लगेगा, ओके? तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, ओके? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस लैपटॉप का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बैटरी का बैकअप कैसा देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, ओके? अगर आप इसको स्टडी के लिए बाय करना चाहते हो तो ये आपको बाय करना है कि नहीं बाय करना, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, जो आपकी जनरल शॉप है उसके लिए बाय करना चाहते हो तो ये कैसा होने वाला है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ, ओके? तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो आपको इसका लुक काफ़ी बेस्ट देखने को मिल रहा है, ओके? इसके टच पैड की बात करें वो भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, कीपैड भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाता है, और स्क्रीन साइज भी काफ़ी इमेजिंग होने वाला है, ओके? तो बात करते हैं इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो इसमें आपको बैटरी का बैकअप देखने को मिल जाता है वो 5 से 6 घंटे का आपको इसमें बैटरी का बैकअप देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, ओके? 35 वाट का बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, 5 से 6 घंटे का बैटरी का बैकअप आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स इस लैपटॉप में, ओके? और इसका स्पीकर काफ़ी बेस्ट होने वाला है, वाइस का आउटपुट भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, ओके? और इसमें आपको 256 GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, 8 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज भी देखने को आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। बात करते हैं इसके मॉडलिंग की और फीचर्स की। तो इस लैपटॉप का जो मॉडल नेम है आपको देखने को मिला है Lenovo V15 सेलेरॉन डुअल कोर 4th जनरेशन, ओके? ये इस लैपटॉप का मॉडल नेम है फ्रेंड्स, और इसमें आपको 8 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज, विंडो 11 होम, ओके, इसमें वर्क करने वाली है। अगर बात करें इसके स्क्रीन के साइज़ की, तो 15.6 इंच का आपको स्क्रीन का साइज देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेस्ट होने वाला है। अब बात करें MRP की, तो MRP ज़्यादा लो नहीं है, ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम MRP में आप इसको बाई कर सकते हो, 23,490 रुपये में आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हो फ्रेंड्स, के जो एक मीडियम MRP है, बहुत ही लो नहीं है, बहुत ही हाई नहीं है। इसमें आपको 8 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, ओके? बैटरी का बैकअप 5 से 6 घंटे का रहने वाला है, जो नॉर्मल गुड है, ओके? स्क्रीन के साइज़ की बात करें, जो आपको फुल HD में देखने को मिल जाती है, 15.6 इंच की आपको स्क्रीन का साइज़ देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, ओके? अब बात करते हैं कि ये आपको बाय करना है कि नहीं बाय करना है। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करते हो तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ओके? तो ये लैपटॉप आपको बाय करना है कि नहीं बाय करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको स्टडी के लिए बाय करना चाहते हो, लाइक इस पर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, ओके, स्टडी के लिए आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, लर्निंग के लिए बाय करना चाहते हो, मीन्स आप इस पर एक्सेल, गूगल शीट कुछ सीखना चाहते हो, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये सीखना चाहते हो तो भी आप इसको बाय कर सकते हो, आपकी जनरल शॉप है उसके लिए भी बाय कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग के लिए भी बाय कर सकते हो, ऑफिस वर्क, एक्सेल, गूगल शीट से रिलेटेड वर्क करते हो तो भी आप इसको बाय कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, ओके? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ही एक लैपटॉप बहुत ही बेस्ट है, और भी बहुत से ब्रांड के आते हैं, ASUS का भी आता है, HP का भी आता है,
ओके, डेल ब्रांड का भी लैपटॉप आता है, तो वो भी अगर आप बाई करना चाहते हो तो भी बाई कर सकते हो, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। आप जो भी वर्क करना चाहते हो वो आप इस पर कर सकते हो। बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस भी इतनी बैड नहीं है फ्रेंड्स को, और लुक भी बेस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, ये वीडियो इतना ही है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, गुड लुक।